आयरा खान ने सेल्फ केयर को लेकर दिया शॉकिंग बयान, बताया कि किस तरह खुद को उन्होंने पहुंचाई तकलीफ। वीडियो हो रहा है वायरल, आइए जानते हैं पूरी खबर। आमिर खान की बेटी आयरा खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती है जो कि बड़ी तेजी से वायरल होती है। वेल, अब रिसेंटली आयरा खान ने खुद का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी बातों के बारे में बताया है। सबसे पहले तो डालिए वीडियो पर एक नजर। Hey guys, 24th of July is International Self-Care Day and Agatsu has decided to do a week of activities around self-care. We are calling it Pinky Promise to Me. So it's a Pinky Promise to Yourself. There's going to be one that we put up every day and I'm going to try and do each Pinky Promise to Me. Because I was trying to think of all the things that count as self-care that I do for me, you know, when I'm not feeling so good, what do I do to make myself feel better? And I realized that all the things that I was thinking of were actually self-destructive. And I couldn't think of a single thing that I do that is caring to myself. All of the things that I do are tending towards the things that I do when I'm self-destructive. So, it was funny and not so funny all at the same time. And so I'm definitely doing these and let's take a little care of ourselves. आयरा ने इस वीडियो में इस बात के बारे में भी खुलासा किया है कि कई बार उन्होंने खुद का ध्यान रखने के बजाय खुद को नुकसान पहुंचा दिया है। वेल, उन्होंने खुद का ध्यान रखने के लिए लोगों से भी अपील की है, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने भी दिया है अपना रिएक्शन। डालिए एक नज़र। आमिर खान की बेटी आयरा खान सोशल मीडिया पर अक्सर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातें भी बताती रहती है। ऐसे में उनके फैंस भी वीडियो देख इंस्पायर होते हैं। फिलहाल आयरा के इस वीडियो पर आप हमें बताएं अपनी राय, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। आल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।